Good morning, students. Today we will start second order derivative. Second order derivative. In second order derivative, we have to find the derivative of derivative. Clear? पहले हम first derivative find करेंगे, उसके बाद उसका एक बार और differentiation करेंगे, तब हमको मिलेगा second order of derivative. Clear? First derivative जैसे y और fx होता था. तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता था उसको हम क्या लिखते थे, या तो y डैश लिखते थे या y1 लिखते थे. ठीक है, y1 और fx का f डैश x लिखते थे. ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते थे. अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, या इसी को क्या बोलते थे, dy ओवर dx भी बोलते थे. ठीक है, अब dy by dx जो है हमारा, dy by dx का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx ऑफ dy by dx, देन वी गेट डबल डेरिवेटिव d2y ओवर dx2, दिस इज नोन एज डबल डेरिवेटिव. क्लियर, और यू कैन से y डबल डैश और y2, ये सब इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, या एफ डबल डैश एक्स. ठीक है, एफ एक्स का डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, और वाई डबल डैश या वाई टू, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल डेरिवेटिव को, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू. ओके, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. मीन्स एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे. इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे प्रूफ वाले भी होंगे कि कोई हमको फंक्शन दिया होगा, उसका डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव करके और इसको प्रूफ करना होगा, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव या वाई दोनों की वैल्यू का यूज करेंगे. जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो वहाँ पे वाई की वैल्यू यूज हो रही कि नहीं उसको देखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव किया तो उस पर देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यूज हो रही है या नहीं हो रही है. क्लियर, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स, तो फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड करो वाई स्क्वायर भी बोल सकते हैं, वाई स्क्वायर मतलब वाई डबल डैश. ठीक है, वैसे इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए वाई टू. ठीक है, फाइंड वाई टू और फाइंड डबल डेरिवेटिव. ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, या कह सकते हैं वाई वन इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स. साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस थ्री एक्स, और थ्री एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा. क्लियर, अब सेकेंड डेरिवेटिव करोगे मीन्स वाई टू या डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, क्या मिलेगा हमको, थ्री तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, अब कॉस थ्री एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन थ्री एक्स इंटू थ्री. क्लियर, थ्री एक्स का करोगे तो फिर थ्री आएगा, तो आंसर कितना आ गया, माइनस नाइन साइन थ्री एक्स, ये हो गया हमारा डबल डेरिवेटिव. क्लियर, एक और एग्जांपल देखते हैं, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस थ्री एक्स, फाइंड डी टू ओवर डी एक्स टू, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू. क्लियर, तो y का dy by dx क्या होगा, e raised to the power minus 3x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x हो गया, अब माइनस थ्री एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस थ्री, यहां से क्या आ गया, माइनस थ्री e raised to the power minus 3x. अब डबल डेरिवेटिव करेंगे हम d2 over dx2, अब डबल डेरिवेटिव में क्या होगा, अगेन माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, और माइनस थ्री एक्स का माइनस थ्री आएगा, थ्री थ्री जन नाइन, माइनस माइनस प्लस e रेज टू द पावर माइनस थ्री एक्स, ये हो गया इसका डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर माइनस थ्री एक्स. ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, x cos x y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, क्या आएगा, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स
कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे, क्लियर। प्लस कॉस एक्स और एक्स का क्या होगा, वन, आया हमारा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब डबल डेरिवेटिव करो इसका, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डी टू वाई होगा डी एक्स टू, इसमें अगेन डॉट प्रोडक्ट लगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का वन प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बस अरेंज कर दो इसको, माइनस साइन मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, कितना हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स, माइनस साइन बार कॉमन ले लो, ये जाएगा हमारा आंसर। ओके देखते हैं सम मोर क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाई इज इक्वल टू लॉग टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू सो दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी टू ओवर डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट पाई बाई फोर, एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। पहले तो हमको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्रूव करना है कि ये सेक एक्स के इक्वल है, उसके बाद हमको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, y इज इक्वल टू क्या है हमारा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, क्लियर। तो dy बाई dx क्या होगा इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा log और ये पूरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्लियर। तो log x क्या होता है, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, x में क्या आएगा 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, क्लियर। ये हो गया पूरा x, तो 1 अपॉन x होता है log x का डिफरेंशिएशन। अब जो ये x था इसका डिफरेंशिएशन होगा मींस 10 और ये पूरा मान लो x, तो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई फोर प्लस x बाई टू इंटू, अब जो x है हमारा ये 10 के साथ में इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो पाई बाई फोर का कितना हो जाएगा 0 एंड x बाई टू का कितना होगा 1 बाय टू, इज इट ओके। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10x को लिखोगे साइन बाय कॉस और इसको लिखोगे 1 बाय कॉस स्क्वायर। जब इसको साइन बाय कॉस लिखोगे तो साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू अपॉन कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू इंटू, यहां पे क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू इंटू 1 बाय टू, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अब बचा क्या, बचा हमारा 1 बाय टू साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू इंटू कॉस पाई बाय फोर इन प्लस एक्स बाय टू, क्लियर। ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला है साइन 2x का, ये क्या बन जाएगा साइन 2x, मतलब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये पाई बाई 2 हो जाएगा और ये केवल x हो जाएगा, ठीक है। यहां से 2 कैंसिल हुआ और ये 2 कट गया, यहां बचा पाई बाई 2 और यहां पे बचा x, ओके। अब साइन पाई बाई 2 प्लस x, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो 1 बाई कॉस x, तो इसी को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा ये sec x, ये आ गया हमारा dy ओवर dx। फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमको शो करना था dy ओवर dx इज इक्वल टू sec x। अब कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। पहले तो डबल डेरिवेटिव करो इसका, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, sec x का क्या होता है फॉर्मूला, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया डबल डेरिवेटिव, अब इसको निकालना एट पाई बाई फोर, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, तो x की जगह क्या रख देंगे पाई बाई फोर, तो sec पाई बाई फोर इंटू टेन पाई बाई फोर, ठीक है।
अब sec पाई बाई फोर मीन्स कितना 45, sec 45 कितना होता है रूट टू, और tan 45 वन, तो आंसर कितना आ गया हमारा रूट टू आ गया 8 x इक्वल टू पाई बाई फोर। डबल डेरिवेटिव का आंसर 8x इक्वल टू पाई बाई फोर पे कितना आया रूट टू, और ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया था dy ओवर dx इज इक्वल टू sec x। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अभी कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूं, ठीक है? बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 अपॉन a log y, देन सो दैट 1 माइनस x स्क्वायर d2y over dx2 minus x dy by dx minus a square y is equal to 0, ठीक है? अगर ये हमको x दिया हुआ है तो प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमको प्रूव करनी है, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसको हमें प्रूव करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ 1 बाई ए log y। अब साइन इधर है, इसको इस तरफ ले आओ तो क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन ए log y, ठीक है? अब क्या करो, a को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, a साइन इनवर्स x इक्वल टू log y। अब क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ए तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब लॉग वाई क्या करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये है, ठीक है? अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, y को इधर ले आओ तो ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया, ठीक है? अब देखो ये ए वाई की वैल्यू आ गई। अब हम अगर डबल डेरिवेटिव करें इसका, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है? इसको दे दो इक्वेशन 1, ठीक है? डबल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ए वाई का क्या मिलेगा, ए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसको एज इट इज रखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही रहेगा, और इसका करोगे तो 1 बाई टू की पावर होगी, जब निकालोगे एक्स की पावर तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस हाफ होगा तो नीचे लाएंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? और 1 बाई टू भी आएगा, फिर अंदर का करोगे तो क्या मिलेगा हमको माइनस ऑफ 2x, ठीक है? ये आ गया, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया 2 से 2, ठीक? अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, अब इस साइड वाला मैं इस साइड लिख रहा हूं, ठीक है? तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ठीक है? इसमें भी रूट था, इसमें भी रूट था, मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर रूट हट जाएगा, और इधर क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो इतना पार्ट तो आ गया हमारा, ठीक है? इक्वल टू में क्या होगा, ये जो नीचे था ये इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, बन गया ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स।
और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ए वाई है फर्स्ट इक्वेशन से, वहां पे क्या रख देंगे ए वाई, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए इंटू ए वाई। ठीक है, यहाँ पे लिखना होंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया हमने और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। अब इसको इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, ये भी इसी का आंसर है, इस फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन। क्लियर, या तो इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में लिखा होगा या डैश की फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, डबल डैश या वन डैश। ओके, इसको नोट करो, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यह क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज 5.7 का है, क्वेश्चन नंबर 13। इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, देन सो दैट x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस y इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, हम इसको सॉल्व करते हैं, हो सकता है इसकी वैल्यू यूज होती जाए, y वैल्यू यूज हो जाए, y1 यूज हो जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी यूज हो सकता है और y भी यूज हो सकता है और ये प्रूफ हो जाए। कई बार क्या होगा कि इनका यूज नहीं कर पाओगे तुम डायरेक्टली, तो उस केस में क्या करोगे कि जो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू है वो फाइंड कर लो, वाई वन फाइंड कर लो और जो वाई की वैल्यू दी है तीनों को उसमें रख दो, उसके बाद इक्वल टू जीरो प्रूफ कर दो। ये भी कर सकते हैं जब हमारा डायरेक्ट आंसर ना आ रहा हो। ठीक है, जब इसका यूज करके आंसर ना आए तो हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब ऐसा ना हो, नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, लेंथी हो जाएगा। क्लियर, देखते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। पहले वाई वन निकालते हैं, तो वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 कॉस का क्या होता है माइनस साइन, माइनस साइन लॉग एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस आगे लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस ये माइनस इसके माइनस में नहीं, मल्टीप्लाई में ही है। क्लियर, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, और फिर लॉग एक्स का होगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स मतलब लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का करोगे तो 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स यहाँ भी है, 1 बाई एक्स यहाँ भी है, इसको यहाँ भेज दो, एक्स इधर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, तो एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स और प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। क्लियर, ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव कर दो, यूज तो हो नहीं रहा, y को अगर हम यूज करना चाहें यहाँ पे तो क्या हो रहा है, क्या यहाँ 3 cos था, यहाँ 3 sin है, यहाँ 4 sin था, यहाँ 4 cos, इसलिए यूज नहीं कर पाएंगे, तो डबल डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा एक्स वाई टू प्लस वाई वन इंटू एक्स इक्वल टू एक्स वाई वन का डिफरेंशिएशन वाई टू प्लस वाई वन और एक्स का डिफरेंशिएशन वन। ठीक है, इक्वल टू इसका फिर से करेंगे तो माइनस 3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस 4 cos x मतलब इसका साइन में आएगा लेकिन माइनस, माइनस 4 साइन x मतलब log x और 1 अपॉन x, अगेन 1 अपॉन x आया तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन x को, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल टू माइनस ऑफ 3 cos log x
एंड माइनस ऑफ 4 साइन लॉग एक्स। ठीक है, तो अगर माइनस साइन हम कॉमन ले ले दोनों में से तो क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस बन गया। अब ये वैल्यू जो है वो क्या है, इसके इक्वल है, मीन्स वहां पे हम क्या रख सकते हैं, वाई। तो एक्स टू वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और यहाँ पे आएगा माइनस वाई, इधर ले आओगे तो प्लस वाई इक्वल टू। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारी बुक का, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू a e रेज टू द पावर mx प्लस b e रेज टू द पावर nx, देन सो दैट डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एन प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, पहले तो डिफ्रेंशिएट करो, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, ए कॉन्स्टेंट है, ई रेस टू दी पावर एम एक्स का ई रेस टू दी पावर एम एक्स एम एक्स का एम प्लस बी ई रेस टू दी पावर एन एक्स का एन एक्स इंटू एन एक्स का एन, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं हो पाएगा तुम्हारा कि तुम सोचो इससे वाई का यूज कर लो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एम और एन साथ में। अब डबल डेरिवेटिव करोगे डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, तो क्या आएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, एक बार और एम आ जाएगा, मतलब कि ए एम स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एम एक्स हो जाएगा, एक एम पहले से था एक और आएगा, ऐसे ये बी एम स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एम एक्स हो जाएगा एम एक्स। क्लियर, तो इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दो इक्वेशन सेकेंड, इसको बोल दो इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों का यूज करो और यहाँ पे वैल्यू रख दो उनकी। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या है, ए एम स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही कितनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ए एम ई रेस टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई रेस टू दी पावर एन एक्स प्लस एम एन प्लस एम एन, और वाई की वैल्यू क्या है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है, एल एच एस पार्ट हमने लिया, इसको इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। ठीक है, तो ए एम स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एम एक्स माइनस, इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर क्या होगा, ए एम स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एम एक्स प्लस इससे होगा तो क्या आएगा, बी एम एन ई रेस टू दी पावर एन एक्स, सॉरी माइनस है, माइनस ही रहेगा माइनस, फिर एन से करोगे तो ए एम एन ई रेस टू दी पावर एम एक्स और माइनस बी एन स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एन एक्स, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी बनेगा ए एम एन ई रेस टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेस टू दी पावर एन एक्स। ठीक, तो इससे ये वाला कैंसिल हो गया, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, और इससे ये वाला कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आर एच एस। ठीक है, तो जब हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज ना कर सकें वाई की या वाई वन की, पहले तो वाई निकालो, वाई का यूज वाई वन में नहीं हो रहा है, वाई टू निकालो, उसमें हो सकता है वाई वन और वाई यूज हो जाए जैसे इसमें,
वाई वन में तो यूज नहीं हो रहा था वाई, बट वाई टू में दोनों यूज हुए, वाई वन तो आ गया, वाई भी यूज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वाई टू निकालने के बाद भी, डबल डेरिवेटिव करने के बाद भी वो यूज नहीं हो रहा है उसमें, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तीनों की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसका आंसर फाइंड कर देंगे, जीरो प्रूव कर देंगे। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब हमें आपको एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें कुछ नहीं है, बहुत आसान आसान है, दो दो बार डिफ्रेंशिएट करते जाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, यूज करना है, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। होमवर्क में है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 12, 11 एंड 17, ठीक है। 11, 12, 15, 16, 17 इनमें से कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करो, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 15, 16, 17, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट हो कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे, ओके। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।